समय मेरे साथ है आकांक्षा पुरी। यूं तो लोग बिग बॉस में जाके बहुत सारे नाम कमाते हैं, आकांक्षा ने भी कमाया है। बैट किसर, फेक, फॉल्स नैरेटिव रखने वाली, टू कॉन्फिडेंट, टू परफेक्ट टू बी रियल, फ्लॉलेस, और रियलिटी शो घोट घोट के पीके आई है, टू रिहर्स्ड। हाँ, ये भी मैंने सुना। मुझे लगता है थोड़े और मिलने चाहिए। हाँ, थोड़ा और रुक जाती तो कुछ और भी हो जाते। टू रिहर्स्ड, फ्लॉलेस, पिक्चर परफेक्ट, ये मुझे स्टेज पे बोला गया था। पिक्चर परफेक्ट लगती है, नॉट वन हेयर फैलाती है, नॉट वन हेयर फ्रॉम हेयर एंड देयर। अपनी हेयर ड्रेसर को डांट लगा यार, अब वहां तो हेयर ड्रेसर भी नहीं थी। और आप उठ भी कैसे इतना परफेक्ट लग रही है, बिस्तर से उठ के भी नॉट वन हेयर फ्रॉम हेयर। अब ये प्रॉब्लम है कि एडवांटेज है ये मुझे नहीं पता, बट वहां तो लगता है प्रॉब्लम ही था। पर आकांक्षा, ये तो पहले दिन से लग रहा था कि सब नाम कमाने जा रहे हैं, आप बेइज्जती करवाने जा रहे हैं। ये तो मुझे स्टेज से ही लग गया था कि मैं बेइज्जती करना, सच में अब बेइज्जती ही कराने जा रही हूँ। फिर मुझे ये भी डाउट हो गया था कि जा भी रही हूँ कि नहीं, क्योंकि वहीं से मुझे वापस भेज दिया गया था, दो दिन बाद घर में अंदर भेजा। और डेफिनेटली आप सही हैं कि बहुत ही बेइज्जती मेरी स्टेज से ही होना चालू हो गई थी, और उस पे तो बेइज्जती के बाद बेइज्जती पे बेइज्जती होती ही गई, वो रुकी ही नहीं। आते हुए मतलब एविक्शन में इतना बेइज्जती भरा था कि मुझे बाय कहने का मौका नहीं मिला। आपने इतना इंसल्ट करके मुझे बात स्क्रीन ही ऑफ करी, मैं बस रिप्लाई देने वाली, उससे पहले स्क्रीन गायब। ओके, अब मुझे कोई नहीं है मेरे सामने बात करने के लिए। क्रू आ जाते हैं, दरवाजा खुलता है, मुझे बाहर ले जाओ। देखो, एक तो इसके दो कारण हो सकते हैं, या तो अब इतनी कॉस्टली थी शो में सबसे ज्यादा कि इन्हें लगा कि भाई जल्दी से कॉस्ट कटिंग करो। चलिए, वो तो थी, उस पे तो मैं अग्री करूंगी। और दूसरा ये लग रहा होगा कि जैसा हमने सोचा था वैसी आकांक्षा तो दिखी ही नहीं। हाँ, तो मुझे लगता है वो एक अलग, जैसे कि मुझे लोगों ने भी बोला, वो एक रॉनेस होनी चाहिए, वो एक आप तीखी पूरी, हमने हैशटैग दिया आपको तीखी आवाज में लोगों से लड़ना है, ये करना है, वो करना है, तो वो तो मैं रियल लाइफ में भी नहीं करती। हर बात को चीख चिल्ला के, गाली गलोच करके अपनी बात का पॉइंट समझाया जाए, ये मैं बाहर भी अग्री नहीं करती। मेरे सारे दोस्तों को ये बात पता है मेरे बारे में, ऐसी ही हूं मैं। मुझे नहीं लगता कि सिर्फ आप आवाज उठाएंगे, गाली बकेंगे तो आप स्ट्रांग लगेंगे। आपको स्ट्रांग लगने के और भी तरीके होते हैं, बट डेफिनेटली मुझे लगता है शायद शो के मेकर्स या शो मुझसे कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा था, या कुछ और तरीके से मुझे देखना चाहता था, या शायद स्टेज से वो मुझे देखना ही नहीं चाहते, इसीलिए मैं आज यहाँ बैठी हूँ। देखिए, शो के कॉन्टेस्टेंट एक दूसरे पे अटैक करे समझ में आता है। यहाँ जब वीकेंड का वार में सलमान खान ने बोला कि तुम तो बाहर भी, तुम्हारी आदत रही है मिर्ची लगाने की, मतलब ये ऐसा नहीं लगा कि ये तो ऑडियंस को भी ये बताया जा रहा है? ये मुझे बहुत ही अजीब लगा, जैसे दो वीकेंड के वार मेरे लिए बहुत ऑपोजिट था। एक वीकेंड के बाद जिसमें मेरे अलावा कोई और ऐसा लगता है दिख ही नहीं रहा था, और दूसरे वीकेंड के बाद में शायद सलमान सर को मैं ही नहीं दिख रही थी, मैं इनविजिबल हो गई थी उस सेकंड वीकेंड। तो दोनों वीकेंड के बाद बहुत अलग रहे। पहले वीकेंड में वार में सिर्फ आकांक्षा पे बैशिंग बैशिंग बैशिंग, ये एलिगेशन वो एलिगेशन, डांट आटे में मुंह, मैंने 15-25 बार मार दिया, राशन नहीं खाया, राशन मैंने आटा खाया नहीं जितना मुंह पे मार लिया अपने उस टास्क में। बट और सेकेंड वीकेंड के बाद मैंने, अरे सर मैं यहाँ हूँ, सर मैं यहाँ हूँ, कोई मुझे देख ही नहीं रहा उस पूरे वीकेंड के बाद। किसकी चर्चा थी? तो इसकी चर्चा थी, बट वो भी चर्चा मुझसे नहीं है, तो मेरी मुझसे तो कोई बातचीत ही नहीं हुई, सिवाय एक क्वेश्चन थी कि क्या ये आपने पहले किया, जिसका मैंने जवाब दिया हाँ मैंने किया है, वेब सीरीज में किया है, अपने OTT प्लेटफॉर्म पे किया, बस उसके अलावा किसी को मैं दिखी नहीं। तो आपने एपिसोड देखा या नहीं मुझे नहीं पता, जिस पहले हफ्ते में आपको बोला गया कि आपने बेबिका के लिए फॉल्स नैरेटिव चेक किया, उसी एपिसोड में बेबिका ने आपको गोल्ड डिगर बोला है। जी, मैंने मैंने अभी तक ये एपिसोड नहीं देखा, मैंने क्लिप देखी थी कहीं ना कहीं कि उस एपिसोड में वो मुझे गोल्ड डिगर बोल रही है, तो कहाँ है वो गोल्ड जो मैंने डिग किया है यार, मैं भी जानना चाहती हूँ, मुझे तो नहीं मिला। तो अब क्या वो मुझे जानती है? मैं तो शायद शो में पहली बार उनको देखा है, तो उन्होंने तो मेरा नाम, उन्होंने किसी से भी बोला, मैं तो जानती, मैं तो कभी सुना भी नहीं, और फिर वो ये भी जानती है कि मैं गोल्ड डिगर हूँ। तो बहुत ही, जैसे मैंने कहा, वो हेड टू टॉप फेक है, और वो एक स्क्रिप्ट फॉलो कर रही, कुछ भी बोल के उनको बस बोलना है, उनको दिखना है, और एक वैम्प का कैरेक्टर स्टार्ट टू एंड फॉलो करना है जो वो कर रहे हैं। आकांक्षा, आपसे एक कंप्लेन है मेरी जी। आपने जेड को जो किस किया, उससे पहले ना कुछ इंसिडेंट ऐसे हुए थे जिसमें मैं ये सोच रही थी कि आप स्पॉन्टेनियसली मना कर देंगी, क्योंकि एक तो जो उसने आपको पकड़ के खींचा था, और ये अगर मैं हेडलाइन अगर आप खुद पढ़ेंगी तो उसने आपसे कलर पूछा था आपकी अंडरवेयर का, जिसको आपने श करके चुप कर दिया। हाँ, था हाँ। तो आपको ये पता ही था कि जेड इस तरीके का, मतलब उसका
ऐसे पूछना अंडरवेयर का कलर और आपने उसको शी किया, मतलब आपको उसकी इंटेंशन पता थी कि वो कैसा लड़का है? वो कुछ भी बात कर सकता है ये मैं मान सकती हूँ, और मैं इतना मान के चल रही थी। एक तो डेफिनेटली मुझे एक कल्चर डिफरेंस दिखता है जब वो उसकी बात करने की कुछ चीजें और कुछ बहुत ज्यादा ऐसी है। मैंने तो बाकी मेल्स को, अविनाश भी थे उस रूम में, साइरस भी है, बाकी लोग तो नहीं अपने अंडरवेयर में बाहर घूम के चेंज करते हैं, पर वो करते हैं। वो वैसे ही सोते हैं, वो जैसी रात होती है सब कपड़े उतार के जाता है बेड पे। वो ये कर रहा था सारी कैमरेज की, वो काफी कूल है। तो कुछ चीजें मुझे लगती है कहीं कहीं शायद जो उनके लिए कूल है वो हमारे लिए नहीं है, और इसीलिए उस बात में मैं घुसना नहीं चाहती कि बहुत ही नॉर्मली वो पूछ रहा है, अरे यार ये कलर्स के साथ तुम ये पहन रहे हो या ये तुम्हारा कलर है या वो। मुझे उस चीज को इग्नोर करना ही सही लगा। मैं उनके साथ इन मुद्दों में नहीं घुसना चाहती कि किसकी पैंटी का कलर क्या है, कि किसकी ब्रा का कलर क्या है, कि किसका, ये बातें उनकी होती है वहां पे, वो करते हैं, और मुझे लगा उस बात को अवॉइड ही करना सही है क्योंकि मैं इन बातों में नहीं घुसती। क्योंकि लोगों ने यही बोला कि जेड पहले से ही ऐसा था, हाँ, ये पता था, तो आकांक्षा ने हाँ नहीं कहना चाहिए था किसके लिए। नहीं, इसीलिए मेरे लिए जेड है या वहां सामने कौन है वो इम्पोर्टेंट ही नहीं। जैक की जगह साइरस भी होते, अविनाश भी होते, अभिषेक भी होते, या पूजा मैम खुद भी खड़ी होती, मैं तो भी किस कर लूं। मेरे लिए वो मुद्दा ही नहीं था कि सामने कौन है, मेरे लिए मुद्दा सिर्फ ये था कि ये टास्क है, मुझे जीतना है। अब जैक हो या कोई भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आपको पता चला कि किसके बाद उसने जो बातें आपके लिए बोली और पूजा भट्ट को जाके बोला मुझे अनकंफर्टेबल फील हुआ, ये उन्होंने पहले बोला, यस हाँ, लेकिन बाद आपको बाद में पता चला, तो मन किया कि मैं सच में उसको थप्पड़ मारूं? ऑनेस्टली थप्पड़ मारूं नहीं, पर मैंने उनसे बोला, वीकेंड के वार पे ही बोला ये बात कि आपको शर्म आनी चाहिए कि ईद मुबारक कर रहे हैं हम, एक ईद का त्योहार है, सब एक दूसरे को गले लगा के ईद मुबारक कर रहे हैं, तो उसकी आप मजाक बना रहे हो कि उससे सब एक दूसरे को कर रहे हैं, पूरे घर में उस दिन सबने एक दूसरे को हक किया, ईद मुबारक की, उस बात का आपने, जबकि मैं अगर आप कोई भी एपिसोड देखें, मैं किसी की गोद में नहीं बैठ रही हूँ, मैं किसी के शोल्डर पे नहीं लटक रही हूँ, मैं किसी को पकड़ नहीं रही हूँ, मैंने ये फिजिकल की बात कर, हाँ ये मैंने कहीं नहीं किया, जिया ने किया, बाकी लोगों ने किया, बहुत से लोगों ने किया, बट मैंने कभी भी इस पूरे शो में बहुत क्लियर रखा कि ये फिजिकल क्लोजनेस मैंने किसी भी लड़के के साथ नहीं दिखाई, बहुत ही अपना एक डिस्टेंस मेंटेन किया, और जब टास्क था तो टास्क किया, वहां मैंने उसको पर्सनल नहीं लेके गई कि मुझे मेरे टिप्स इन्वॉल्व करने, मुझे मेरी टंग इन्वॉल्व करनी है, जो वो जितने इलेबरेट करके वो उस बात को बोल रहे थे, मुझे सिर्फ टच करके 30 सेकंड में वो टास्क खत्म करना था, जो मैंने किया। आज जिया जैक तो बोल रही थी कि तुम्हें ऐसी लड़कियां पसंद आती हैं जो ब्यूटी होती है लेकिन ब्रेन नहीं होता। हाँ, तो ये तो अब शायद इसीलिए वो जिया को पसंद कर रहे हैं। तो आई थिंक जिया ने आंसर खुद ही दे दिया। आखिर में मैं एक एक के नाम लूंगी, आपको क्या लगता है उनके बारे में, आप क्या सोचती है? फलक केयर टेकर, मुझे वो उस घर में केयर टेकर और एक असिस्टेंट करती है। मनीषा ब्यूटिफुल इनसाइड आउट। पूजा भट्ट स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। साइरस, अभी मैं कुछ वेस्टेड का कोई और वर्ड ढूंढ रही हूँ क्योंकि मैं काफी टाइम से बोल रही हूँ, या सच्ची वो इंसान बहुत अच्छे हैं, मेरे साथ भी बहुत अच्छे हैं, बट गेम के लिए वो प्लेयर अच्छे हैं, मुझे बहुत वेस्टेड लगते हैं। अविनाश तो हाइपर एंड बहुत ही नेगेटिव लगते हैं मुझे, वो उनसे तो बात करना भी मुश्किल है। पलक उनको लेके 100% सही थी जब उन्होंने बोला था कि इनसे तो कोई बात ही नहीं कर सकता, सच में उनसे बात करना ही डिफिकल्ट है, उनसे बात करो पहले वो चीखना चिल्लाना बदतमीजी करना पहले चालू कर देते हैं, तो मुझे हैट्स ऑफ जिन लोगों ने उनको डेट किया वो भी इतने टाइम तक, मतलब मैं हाथ जोड़ के उनको सल्यूट करती हूँ कि वाह कैसे डेट कर लिया। जिया मुझे डम लगती है और थोड़ी ऑफ ट्रैक लगती है। जेड, जेड झूठे लायर एंड मैन बैक बाइटिंग करते हैं। आपको ऐसा लगा कि जेड ने पेन ड्रॉप किया लेकिन उनको जेल नहीं हुई, अपने आंसू आपके टपके तो आपको जेल हो गई? यही बात मुझे समझ में नहीं आई, उनको तो जेल का चेहरा तो किसी और ने देखा भी नहीं उस शो में, और मैंने एक्सप्रेस करने के लिए मैंने इमोशंस एक्सप्रेस किए, मैं इमोशनल हो गई, मैं रो दी तो मैं जेल चले गई, पर कोई पैंट नीचे करने पे जेल नहीं किया। गालियां मैंने ऐसी ऐसी सुनी लोगों के मुंह से, हरामजादा है, बास्टर्ड है, ये वो है, वो सब सही है, पर इमोशन एक्सप्रेस करना, रोना इतना गलत है कि आप 3 दिन जेल में जाओगे, तो ये बातें बहुत ही बेवकूफ़ी भरी लगी। इसलिए मुझे लगा शो शुरू से ही मेरे लिए बायस था, मैं काफ़ी टारगेटेड फील कर रही थी पहले दिन से, और मुझे डेफिनेटली लगा था इस बात पे तो उन्हें डेफिनेटली जेल भेजा जाएगा, क्योंकि किसी ने भी उस चीज़ को सपोर्ट नहीं किया, सब ने घर में बोला कि ये एक्शन तो जज आपका गलत था,
एक एक सदस्य ने ये बोला और कोई एक भी नहीं था जिसने बोला कि वो सही है, तो उसके लिए तो डेफिनेटली वो नॉमिनेट हुए, पर उससे ज्यादा कुछ नहीं. उनको सारी उनकी सारी प्रिविलेज बंद हो जानी चाहिए, उनका जिम बंद हो जाना चाहिए, उनको जेल भेज देना चाहिए. मुझे डेफिनेटली लगता है उनको सजा मिलनी चाहिए थी और वो खुद शर्मिंदा थे इस बात के लिए इमीडिएटली. अच्छी बात है कि वो शर्मिंदा थे, पर उनको सजा तो डिजर्व करते हैं वो. एक सवाल, जब कल सलमान ने बोला कि लड़कियां भी उसको शह देती हैं जैक को जितनी वो लिबर्टी लेता है, तो उंगलियां आप लोगों पे भी उठी जो घर की लड़कियां. जी, तो मैं मुझे लगता है कि सबकी एक लिमिट होती है जो क्रॉस. मुझे लगता है मैंने तो डेफिनेटली ये नहीं किया. मैं बहुत क्लियर थी उनसे डे वन से कि इतना, और इसीलिए आप कोई भी एपिसोड उठा के देख लीजिए, आपको कहीं मैं और जद इतना फिजिकल क्लोजनेस या कोजी होते कहीं नहीं दिखेंगे. पर आप वही चीज उनकी जिया के साथ देख लीजिए तो आपको बहुत ज्यादा दिखेगा. आप मनीषा के साथ देख लीजिए, आप और किसी लड़की के साथ देखिए, पर मेरे साथ उनका एक, आपको इस ईद मुबारक के अलावा एक हक भी नहीं दिखेगा पूरे शो में. तो बट फिर भी अब ऐसा अगर बोला है तो बोला होगा. विनर विनर मैं डेफिनेटली अभिषेक को देखती हूँ शो में, एंड पूजा मैम को भी मैं बहुत स्ट्रॉन्ग टॉप टू में देखती हूँ. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच. थैंक यू.